हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ AKM। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मानव संपदा पोर्टल पर अटेंडेंस कैसे लॉक करते हैं। साथियों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए साथियों, अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। मानव संपदा लॉगिन करने पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए साथियों, डैशबोर्ड पे कई सारे ऑप्शन आपको नज़र आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, यह दिख रहा है जनरल, लीव मॉड्यूल, ट्रांसफ़र मॉड्यूल, SER / APAR, पेरोल और सर्विस बुक। तो साथियों, हम लोग पेरोल वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। साथियों, तो चलिए अब हम पेरोल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। साथियों, तो जैसे पेरोल वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे साथियों, हम नए इंटरफेस पे आ जाएंगे। अगला पेज साथियों कुछ ऐसा रहेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। और साथियों देखिए, यहाँ पे तीन ऑप्शन शो कर रहा है। पहला ऑप्शन है सैलरी स्लिप का, इसमें हम सैलरी स्लिप अपनी देख सकते हैं। दूसरा है अटेंडेंस और तीसरा है रिटायरमेंट। तो साथियों, जो बीच में हरे रंग का ऑप्शन है अटेंडेंस वाला, हम उसी पर टैप करेंगे साथियों। तो चलिए साथियों, हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे साथियों, देखिए अब अगले पेज पे चार ऑप्शन आ गए। तो ये चारों ऑप्शन आपको यूज करना है। सबसे पहले देखिए, लिखा है एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव। इसका मतलब होता है, अगर आपके विद्यालय में जो भी अध्यापक है, अगर कोई CL लिया है, तो आप पहले जाकर जो CL है उसको हम लोग अप्रूव करेंगे। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन सा अध्यापक आपका CL लिया हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले इस पर ही टैप करते हैं साथियों। चलिए साथियों, टाइप कर दिए। तो देखिए, अब ये दिखा रहा है कब से कब का अटेंडेंस लॉक करना है। तो ये अटेंडेंस है 21/6/23 से 20/7/23 तक। चलिए साथियों, इसको अब हम सबमिट करते हैं। लेकिन सबमिट करने से पहले आपको जाके डिस्पोज वाले ऑप्शन में, लीव मॉड्यूल में डिस्पोज का ऑप्शन होगा, उसमें आपको चेक कर लेना है कि कोई CL या लीव पेंडिंग तो नहीं है। ये काम आपको सबसे पहले करना है साथियों। यही गलती बार बार होती है, और आपके एक भूल की वजह से आपके किसी भी अध्यापक का जो CL लिया हुआ है और आपने CL अप्रूव नहीं किया है, उसका अनऑथराइज लीव लग जाता है साथियों, जो बहुत परेशानी का सामना झेलना पड़ता है उसे सही कराने के लिए। तो चलिए इसको अब हम सबमिट करते हैं। यहाँ पे देखिए साथियों, कोई भी अगर अध्यापक आपका CL लिया होगा तो यहाँ पर नीचे शो कर देगा। देखिए नीचे लिखा हुआ है नो लीव रिकॉर्डेड फाउंड। अगर कोई अध्यापक आपका CL लिया रहेगा तो नीचे उसका नाम शो करने लगेगा, और जब उसका नाम शो करेगा तो आप सबमिट वाला ऑप्शन कभी भी भूल के क्लिक मत कीजिएगा। आप यहाँ से तुरंत बैक हो जाइएगा। तो देखिए साथियों, मेरा यहाँ दिखा रहा है कि कोई भी लीव नहीं है, तो मैं इसको सबमिट कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इसको अब सबमिट करता हूँ। देखिए साथियों, सबमिट हो गया। अब मैं यहाँ सेव कर देता हूँ इसको साथियों। देखिए यहाँ शो कर रहा है, आपके द्वारा लीव मॉड्यूल के लीव का डाटा एक्सट्रैक्ट किया गया है, कृपया संबंधित डाटा की भली भांति जांच कर ले, एवं अगर आपको लगता है कि किसी कर्मचारी की लीव को स्वीकृत किया जा सकता है तो लीव मॉड्यूल में जाकर उस कर्मचारी की लीव को स्वीकृत करें, एवं पुनः यहां आकर डाटा को चेक करें और त्रुटि रहित डाटा सेव करें। एक बार लीव मॉड्यूल से डाटा अटेंडेंस मॉड्यूल में सेव हो जाने के उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। तो ऐसा ही साथियों एक केस मेरे साथ हुआ था, जो अब तक सही नहीं हुआ है। तो आप बहुत ही ध्यान से अटेंडेंस लॉक करेंगे। अब इसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पे हो गया योर एक्सट्रैक्टेड लीव इज नाउ सक्सेसफुली सेव। तो चलिए साथियों, अब इसका काम ख़त्म हो गया। अब हम लोग को आना है दूसरे ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में साथियों, कोई भी अगर अध्यापक आपका अनऑथराइज लीव लिया है, वो CL नहीं लिया है, ऐसे ही विद्यालय पर नहीं आया है, तो आप प्रभारी या प्रधानाध्यापक अपने ID से उनका लीव यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हमको इसमें कुछ नहीं करना है। अब हम आते हैं तीसरे ऑप्शन में, जो पीले रंग का है। तो चलिए साथियों, अब हम लोग लीव को लॉक किए हैं। चलिए देखिए यहाँ पे दे रहा है, आप यहाँ से लॉक किया जाता है। देखिए मैसेज दिया हुआ है, ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द स्कूल आर आइदर प्रजेंट इन द एंटायर अटेंडेंस ड्यूरेशन और अबसेंट विथ सेंशन लीव। मतलब सबने सेंशन लीव ले लिया या कोई बाकी नहीं है, इसको हम लॉक कर देते हैं साथियों। देखिए अब ये आपका अटेंडेंस लॉक हो गया है। अब हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अब प्रिंट करने के लिए मैं इस प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करूँगा साथियों। देखिए ये मेरा जो है अटेंडेंस लॉक हो गया साथियों।
अब हम यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए साथियों, तो मैं पीडीएफ को डाउनलोड कर लूँगा यहाँ पे साथियों। चलिए पीडीएफ सेव हो गया साथियों हमारा। ऐसे आप भी सेव कर सकते हैं। देखिए सब कुछ दिखा रहा है यहाँ पे कि ये मेरा अटेंडेंस जो है लॉक हो गया है। बस साथियों यही करना है आपको, और इसके बाद अब हम बैक आ जाएंगे। देखिए अगर सब कुछ हो गया अब यहाँ से मैं बैक आ जाऊँगा। अगर फिर आपको व्यू अटेंडेंस रिपोर्ट अगर देखना है कि मेरा लॉक हुआ है कि नहीं, तो मैं साथियों चौथे वाले ऑप्शन में आऊँगा। और यहाँ से आप देख लीजिए किस सत्र का है, 23 का है, इसका है, जुलाई का है। आप गेट रिपोर्ट पे कर देंगे साथियों। देखिए साथियों प्रिंट का ऑप्शन, वही वाला ऑप्शन फिर आ गया। यहाँ से आप अपना प्रिंट भी कर सकते हैं। देखिए सेम वही चीज़ आएगा। तो साथियों ऐसे ही आपको अटेंडेंस को लॉक करना है, और आपको बहुत ही सावधानी से ये काम करना है।